हम जब याद करते हैं तो बस रो देते हैं। हम रहते थे हॉस्टल में कुछ इस तरह से, सुबह उठते तो सबसे पहले नमाज पढ़ते थे, फिर जब हम लौट के आते तो खुश यूं होते थे कि जब वार्डन नमाज न पढ़ने वालों को यूं धो देते थे। कोई बाथरूम में मिलता तो कोई हॉस्टल की छत पर झुकते थे, लेकिन वार्डन के डंडे से कोई नहीं बचते थे। इसीलिए हम जब याद करते हैं तो बस रो देते हैं। वे टीचर्स हमें मारते थे, लेकिन दुआओं से भी नवाजते थे, और अगर हम कोई गलती करते तो वे हमें ज़रूर समझाते। इसीलिए हम जब याद करते हैं तो बस रो देते हैं। लेके प्लेट कभी नहीं जाते थे किचन में, हमेशा मिलते थे और एक प्लेट में। वैसे तो हम लोग बहुत कम किचन में जाते थे, लेकिन एक दिन ऐसा भी होता था जब हम सब जाते थे, और वो दिन कभी नहीं मिस करते थे। इसीलिए हम जब याद करते हैं तो बस रो देते हैं। बाथरूम में नहाने के समय लाइन लंबी होती थी, और सबको बहुत जल्दी होती थी। कपड़े में प्रेस तो ऐसे करते थे जैसे स्कूल नहीं पार्टी में जा रहे थे। मेकअप की क्या कहूँ मेकअप के चक्कर में हम रोज़ खड़े होते थे अलग लाइन में। इसीलिए हम जब याद करते हैं तो बस रो देते हैं। होते थे हम शौकीन चाय और पान के, जिसके लिए हम बहुत दूर जाते थे और लौटने में लेट हमेशा होते थे, फिर वार्डन से माफ़ी भी मांगते थे। वार्डन भी हमें नहीं छोड़ते थे, गुस्से में होते तो घर फोन करते थे। इसीलिए हम जब याद करते हैं तो बस रो देते हैं। जाते थे हम नहर में नहाने अक्सर, लेकिन हम नहीं आते थे कभी कुछ कर। लड़ाई भी एक दूसरे में हमेशा होती थी, लेकिन गमे यार के बाद मोहब्बत भी।